हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जिसको बनाने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कि रेडीमेड कस्टर्ड पाउडर को यूज़ करके बना सकते हैं, विदाउट पाउडर बना सकते हैं, विद एग्स, विदाउट एग्स। फिर भी आज की रेसिपी है सबसे सिंपल इजी वाला, रेडीमेड पाउडर कस्टर्ड पाउडर को यूज़ करके मैं बनाऊँगी। तो मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, इसको मैं गुनगुना होने तक पका लूँगी। फिर मैं 2-3 चम्मच ऐसा निकाल लूँगी कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए। तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, मैंने वेनिला फ्लेवर के लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दे, कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए। फिर मैं इसको दूध में ऐड कर लूँगी। दूध में उबाल आ गया है तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा मिक्सर डाल के मैं चलाते हुए इसको ऐड कर लूँगी। एक ही बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्ब्स पड़ने का चांसेस रहता है। तो इसको अच्छे से मिला लें आप, ताकि कोई लम्ब्स ना रहे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर, 1/2 कप जितना मैंने लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसको रख सकते हैं। फिर इसको अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है 4-5 मिनट्स, कस्टर्ड पाउडर का कच्चा महक जाने तक। अच्छे से आप स्टेयर करें ताकि वो साइड पे या फिर नीचे स्टाक ना हो, लग ना जाए। और इसका थिकनेस चेक करने का तरीका यह है कि आप चम्मच को कस्टर्ड में ऐसा डीप कीजिए और फिर फिंगर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो लाइन क्लियरली दिख रहा है तो आपका थिकनेस परफेक्ट है। इस लेवल पर आपको गैस को ऑफ कर देना है ताकि वो ठंडा होकर और थोड़ा थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है आपको। ऑफ करके आप इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लें। फिर मैं ऐसा थोड़ा बटर इसके ऊपर ऐसा ही डाल दूँगी ताकि ये ठंडा होने वक्त उसके ऊपर कोई मलाई का लेयर ना बने, जो कि लम्ब्स क्रिएट कर सकता है। जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं कुछ फ्रूट्स काट लूँगी। मैंने अपने पसंद का कुछ फ्रूट्स लिया है, फिर भी बनाना आप मस्ट इसमें ऐड कीजिए। आप चाहे तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके पसंद का कोई भी। एक बार कस्टर्ड ठंडा हो जाए फिर इसमें मैं इसमें मिला लूँगी मैंगो, कीवी, एप्पल, बनाना, चेरी, पिस्ता, बादाम और अनार को मिला के मैं अच्छे से मिक्स करके इसको फ्रिज पे रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठंडा हो जाए। फिर मैं इसको सर्व कर लूँगी। ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, फिर भी ये इसको सर्व करने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट भी बहुत ही यम होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।